टीआरपी की रेस में पिछड़ चुके बिग बॉस 15 में जान फूंकने के लिए मेकर्स इन दिनों जी जान से कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि शो में कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देखने को मिलेंगी, जिससे शायद ऑडियंस का भी शो को लेकर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इन कंटेस्टेंट्स में अभिजीत बिचकुले, देवलीना भट्टाचार्जी, रश्मि देसाई और राखी सावंत के नाम सामने आए थे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। अभिजीत, जो कि मराठी बिग बॉस के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट रहे हैं और जिनसे इस सीजन में भी बहुत उम्मीद थी, अब इस शो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बिग बॉस में एंट्री से पहले अभिजीत को होटल में 15 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था, जिसके बाद उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसलिए उन्हें अब घर में एंट्री नहीं मिलेगी। पहले एपिसोड में अभिजीत ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी फनी बातें सलमान और महेश मांजरेकर के साथ सबको बहुत पसंद आई थी। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान भी उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। इसलिए सब उम्मीद कर रहे थे कि जब अभिजीत घर के अंदर आएंगे तो भाई घर का माहौल एकदम बदल जाएगा। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। देवोलीना भट्टाचार्जी, राखी सावंत और रश्मि देसाई अब जल्द ही घर में एंट्री करने वाले हैं। राखी पिछले सीजन में भी दिखाई दी थी। उनके आने से शो की टीआरपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। राखी ने यहाँ कभी अपना जूली अवतार दिखाया तो कभी अभिनव शुक्ला के साथ लव एंगल दिखाकर सबको एंटरटेन किया। अभिजीत की जगह अब मेकर्स किसी नए कंटेस्टेंट की तलाश कर रहे हैं जो शो में तड़का लगा सके। पहले खबर ये भी आई थी कि शो की पुरानी कंटेस्टेंट्स डोनल पिस्ट और विधि पांड्या भी वापसी कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। मेकर्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शो को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया जाए, लेकिन ये जो कंटेस्टेंट्स है ना, कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते। इस हफ्ते सिम्बा नागपाल और जय भानुशाली के बाद कौन सा होगा वो तीसरा कंटेस्टेंट जिसे कहना पड़ेगा बिग बॉस के घर को अलविदा। अपने ओपिनियंस आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बिग बॉस की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।